अभी पापा का कलर बाल कलर होना स्टार्ट हो चुका है और अब ये सारे बाल कट गए। अभी शादी में साइड से टकला हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है ना मीरा रोड में, इसलिए मम्मी एक हफ्ते से नहा ही नहीं है। तो ईद के लिए दो दिन ही सिर्फ बाकी है, तो हम आ गए हैं स्टाइलिस्ट की एक सैलून में और हम इधर हमारा बाल जो है वो कटिंग कराएंगे, मतलब कलर कराएंगे, कुछ भी तो करवाएंगे, अच्छा सा तो कुछ तो स्टाइल तो बनवाएंगे ही। और साथ में पापा मम्मी और मैं भी आ चुकी हूँ, पूरी फैमिली आ चुकी है। तो अभी सैलून के अंदर एंट्री कर रहे हैं, चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ी सी बिजी थी, बस लंबी ले रहा था, बिजी थी आप लोगों को कॉल ही में सोच ही रही थी जस्ट के लिए। अच्छा लगा और कैसे स्टाइल करना है, ईद है तो कुछ होना चाहिए अच्छा सा, एकदम अच्छा यहाँ पे कुछ अच्छा सा लिखवाना ठीक है। अभी शादी के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेयर आ चुका है और शादी में यहाँ पे बैठ चुका और मम्मी का भी डिस्कशन चल रहा है और मैं यहाँ पे वेली खड़ी हूँ। अभी शादी की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, साइड साइड से अंकल शादी के बाल ट्रिम कर रहे हैं और मम्मी के हेयर कलर होगा, आंटी मम्मी के हेयर ब्रश कर रही हैं। तो अभी पहले मम्मी के बाल शैम्पू होंगे, उसके बाद हेयर कलर होगा। पानी नहीं आ रहा है ना मीरा रोड में, इसलिए मम्मी एक हफ्ते से नहा ही नहीं है। तो अब आंटी के पास पानी है तो अब आंटी मम्मी को नहला रही। अभी शादी में साइड से टकला हो चुका है, बीच के बाल बचे हैं, मैं तो बोल रही हूँ वो भी काट दो। हमारी मम्मी छोटी बच्चों की तरह नहा के आ चुकी है, अब इनका हेयर कलर होगा, आंटी की तरह खूबसूरत दिखेंगी। अभी यहाँ पे हेयर ड्रायर से बाल सुखाया जा रहा है, तसल्ली मिल गई दिल को और अब ये सारे बाल कट गए। लड़कियों के जब बाल कटते तब उन्हें दुखी होती है, लेकिन जब कोई जॉब करता है और उसे खुशी होती है ना तो मेरे को भी आज खुशी होती है ये सैलून में। अच्छा अभी मम्मी के आगे का बाल कटने वाला है, तो अभी बाल की कटिंग हो चुकी है, अब कलर करेंगे। मम्मी की कटिंग वटिंग सब कुछ हो गया, मैंने अभी तक आंटी का नाम ही नहीं पूछा, आप अपना नाम बता दो। हाँ हमीदा। हमीदा ओके। तो अभी मम्मी का बाल कलर हो रहा है और ये कौन सा कलर हो रहा है? ये मम्मी का सेम कलर है, डार्क ब्राउन। ओके। अंकल हेयर ड्रायर चला करके मस्त बाल को सेट कर रहे हैं, अच्छे से रोल रोल। अभी शादीम का बाल खड़ा हो चुका है और मस्त से जेल लग रहा है, शादीम की एक्साइटमेंट तो देखो। तो फाइनली शादीम का हेयर कट और बाल सेट हो गया है और शादीम एकदम हीरो लग रहा है। ए कहाँ कहाँ चले, कहाँ चले? हाँ हाँ तुम्हारे मेरे हिसाब से होगा और पापा का रेड कलर होगा। अभी पापा की कटिंग हो रही है और पहले कट करेंगे उसके बाद नेचुरल कलर करेंगे। अभी पापा का कलर बाल कलर होना स्टार्ट हो चुका है और एकदम मस्त पापा का लुक आएगा कलर होने के बाद। पापा पहली बार अपना बाल कलर करा रहे हैं, तो पापा का बाल कलर हो चुका है और अभी पापा को वेट करना पड़ेगा। तो अभी मम्मी का जो आगे नेचुरल कलर करा था उसको भी वॉश कर रहे हैं। तो मम्मी के बाल ड्राई हो चुके हैं, अब कॉम्ब करके इसे हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पे मम्मी का हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे पापा का हेयर वॉश हो रहा है और मैं एक खुश रहे हैं। अभी दूसरा कॉल भी लगाएंगे आंटी और एकदम मस्त मम्मी को हीरोइन बना के ही लगता है, मानेंगे आंटी। ये कौन सा कलर है? ब्लॉन्ड। पापा का मस्त शैम्पू भी लग गया और पापा को मस्त मसाज मिल रहा है। अभी पापा के बाल सुखाने की बारी है मस्त हेयर ड्रायर से। मैंने लाइफ में पहली बार किसी लेडी से अपने बाल खड़े किए, मेरे बाल खाली हो गए इसलिए तुम चुन लेके उनके परमिशन से लेडीज भी खुश हो गई। अच्छा लगा मम्मी को कैसा लगा? मेन मुद्दा है मम्मी को कैसा लगा। हेयर ड्रायर मार रहे हैं ताकि अच्छे से बालों में कलर आ जाए और मम्मी के तो
छत आ चुकी है। सबसे लास्ट में मारिया का स्टार्ट हो गया है। ये खाए खा भी खाए खा भी नहीं रहे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ठीक है भाई। बड़े हो जाएंगे ना बाद में, बड़े हो जाएंगे ना। अभी वो बढ़ रही है, अभी उसकी उम्र है। काटो काटो काटो, तुम्हारे बाल बहुत नहीं उसे कर ली है ना वो ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आके कल्स होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे थोड़ा कल्स रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। आंटी ने एकदम जबरदस्त मेरी हेल्प कर दी। मैं चाहती थी कि इतने बाल हूँ, ठीक है। और पापा मना कर रहे थे, तो आंटी ने ना लॉजिक वाली बात बता के मेरे बाल इतने कर ही दिए। मतलब कलर के साथ साथ फुल इन्फॉर्मेशन भी। हाँ, मतलब आंटी पूरा बताती है कैसे केयर करना है, कैसे बाल को रखना है, कैसे क्या करना है, क्या बेनिफिट देगा, क्या मतलब क्या अच्छा नहीं है। मेरी मम्मी के बाल फाइनली हाईलाइट हो चुके हैं और हमारी कटरीना कैफ आ चुकी है। अभी इसे ड्राई करके सेट करेंगे, तब गजब ढाएंगी हमारी मम्मी। मम्मी को सब लोग बोलते थे कि बहन है, और अब तो आंटी ने ऐसा कमाल कर दिया कि अब तो मम्मी सच में मेरी बहन लग रही है। तो फाइनली मम्मी का बाल कलर हो चुका है, हाईलाइट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। मतलब मम्मी मस्त कैटरीना कैफ हीरोइन बना दिया मम्मी को। हाँ, तो की सेल्फियाँ चल रही हैं। तो अभी पापा का हेयर कलर, मम्मी का हेयर कलर, शादी में मेरा हेयर कट सब कुछ हो चुका है, और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और आंटी ने हमें सरप्राइज गिफ्ट भी दे दिया, हमें ईद के लिए भी सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छा था। और हम यहाँ का एड्रेस शॉप का हम आपको नीचे दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। और हम आंटी का इंस्टाग्राम आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, तो आप आंटी को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और आपका ऑनलाइन भी रहता है क्या? हाँ, हमारा होम सर्विस है ना। हाँ, तो ओनली फॉर लेडीज है और सलून फैमिली है, जेंट्स लेडीज बच्चे बूढ़े सब आ सकते हैं। और आंटी के शॉप में सब कुछ होता है, और होम सर्विस भी है लेडीज के लिए, और जो है सलून वो फैमिली सलून है। और आंटी क्या क्या होता है बहुत? हमारे यहाँ हाइड्रोफेशियल होता है, हेयर एक्सटेंशन होता है, नेल आर्ट्स होता है, जेंट्स का हेयर कट वगैरह होता है, लेडीज का स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन सब कुछ होता है। और आप मारिया का नाम लेके आओगे, साथी का नाम लेके आओगे, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे प्लीज आओ और आंटी से अपना मस्त मस्त हेयर कट और कलर कराओ, क्योंकि मम्मी का देखो लुक कैसे चेंज हो गया है। चेंज हो गई तो मम्मी लग रही है। सबसे अच्छी और यहाँ के मतलब एकदम घर जैसा फील भी हुआ, ऐसा लगा नहीं हम लोग कहीं आए ना। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हमसे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। थैंक यू, बाय।